हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट है जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया 0.25 टेस्ला के, कितने एंगल पे रखा गया, 30 डिग्री पे। और वो आपको पता है, कोई भी मैग्नेट या कोई भी डायपोल जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में जाता है तो टॉर्क फील करता है। तो वो जाकर कितना टॉर्क फील कर रहा है, साफ लिखा है 4.5 × 10⁻²⁺ जूल। तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, mb sin थीटा। और आपको बता दूं, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है और न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो कभी कभी टॉर्क की यूनिट जूल लिख देगा तो परेशान मत होना, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर। और वर्क का भी फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, साइन 30 रखो 1/2, सब कुछ पता है। यहां से सॉल्व करके एम को अलग करके एम निकाल दो, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट की दो यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती है और जूल पर टेस्ला भी होती है, याद रखना। सेकेंड सवाल, एक बार मैग्नेट है, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है यानी कि एम दिया हुआ है, उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जिसकी वैल्यू है 0.15 टेस्ला। पूछा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस मैग्नेट को स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन में मूव कराने के लिए। तो स्टेबल में आपको पता है मैग्नेट फील्ड के साथ 0 डिग्री पे होता है, अनस्टेबल में वो मैग्नेट फील्ड के साथ 180 डिग्री पे होता है। वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, आप जानते हो ना, मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, mb ब्रैकेट में cos θ1 − cos θ2। बस हो गया, mb cos 0 − cos 180। स्टेबल अनस्टेबल पढ़ा चुका हूं मैं, cos 180 − 1 मिलकर 2 mb आ गया। 2 मोमेंट दे रखा है, फील्ड वहां पे पता ही है, सॉल्व करो, एनर्जी आ गई, वर्क डन आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन पे, स्टेबल पे भी और अनस्टेबल भी थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, −mb cos θ किसी भी मैग्नेट का एक्सटर्नल फील्ड में। बस स्टेबल में थीटा 0 रखो, −mb आ जाएगा, अनस्टेबल में थीटा 180 रखो तो cos 180 − 1 − − मिलकर +mb आ गया। वैल्यू रख दो एम और बी की, एनर्जी भी आ जाएगी दोनों पोजीशन में, स्टेबल और अनस्टेबल। फिर पूछा है एक सोलेनोइड है, आपको पता है सोलेनोइड भी मैग्नेटिक डायपोल ही होता है। मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, सोलेनोइड, दे ऑल आर मैग्नेट, सब मैग्नेट होते हैं। सोलेनोइड बस करंट से मैग्नेटिज्म लाता है तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सोलेनोइड है जिसके पास करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर का। तो आप ये बताओ, ये सोलेनोइड कैसे, किस सेंस में आप इसे मैग्नेट मानते हो। तो याद करो, हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, इसमें प्रूफ किया था कि सोलेनोइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। कैसे प्रूफ किया था याद है, हमने सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकाली थी तो वो वही फील्ड आई थी जो एक बार मैग्नेट की होती है, शायद लास्ट लेक्चर वही है। अब बताओ, जब ये सोलेनोइड मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो अलग होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, NIA, जानते हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू एरिया। टर्न्स दे रखा है, करंट दे रखा है, सोलेनोइड का एरिया दे रखा है टर्न्स का, सॉल्व करके मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। फिर क्या बोला है, मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालने बोला था। अब बोल रहा है इस अगले सवाल में कि पिछले सवाल वाले को, यानी जो सोलेनोइड है, अगर इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, यानी कि मैग्नेट ही तो है, सोलेनोइड क्या है, मैग्नेट है। अब बोला ये जो सोलेनोइड है, जो ये भी मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड में ले जाकर रख दें तो टॉर्क और फोर्स बताइए कितना एक्सपीरियंस करेगा। अगर 30 डिग्री पे रखा जाए, किसको, इस सोलेनोइड को, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सिस जो सोलेनोइड का है वो 30 डिग्री पे है फील्ड के साथ, तो आप अच्छे से जानते हो मोमेंट दे रखा है, निकाला ना मैंने अभी 2 मिनट पहले मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनोइड का, जिस फील्ड में रखा वो दे रखा है। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला पता ही है, mb sin 30, mb/2, मोमेंट रख दो, फील्ड रख दो, 2 आ गया टॉर्क, चाहे न्यूटन मीटर लिखो चाहे जूल लिखो। आपको याद होगा मैंने एक और चीज पढ़ाया था, कोई भी डायपोल, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल हो, चाहे सोलेनोइड हो, चाहे मैग्नेट हो या मैग्नेटिक निडल हो, सब डायपोल होते हैं, सब में 2 पोल होते हैं।
हमने ये भी पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी डायपोल को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में ले जाकर रखते हैं और अगर वो फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके दोनों पोल हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फील करते हैं, जिसके कारण नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, पढ़ा चुका हूं मैं। और अगर वही डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जाए तो दोनों पोल जो है फोर्स अपोजिट तो फील करेंगे बट इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखा है, हेयर सोलेनोइड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, और सोलेनोइड क्या है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और कोई भी डायपोल को हम किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो उसके दोनों पोल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फील करते हैं, इसलिए नेट फोर्स सोलेनोइड पे जीरो होगा। हाँ, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म, ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तब नेट फोर्स जीरो, दोनों पोल फील नहीं करते। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। देखो, शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब है मैग्नेट की लेंथ का कोई कंसिडरेशन नहीं करना। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 0.48 जूल पर टेस्ला, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। अब बताना है इस शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण दो जगह मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, और जिस जगह निकालना है उसकी डिस्टेंस जो लेने बोला है वो बोला है 10 सेंटीमीटर पे वो लो जगह। और आपको पता है डायपोल के कारण अगर हम फील्ड निकालते हैं, चाहे मैग्नेट हो या इलेक्ट्रिक डायपोल हो, उस जगह की डिस्टेंस, चाहे एक्सियल लाइन पे वो जगह है चाहे इक्वेटोरियल पे है, उसकी डिस्टेंस हमेशा डायपोल के सेंटर से लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम, आपको पता है एक्सियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, शॉर्ट मैग्नेट हो जाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई जो भी डिस्टेंस होता है उसका क्यूब सेंटर से, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10^-7, 2m डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो गया 0.1 का होल क्यूब, सॉल्व करोगे इतना आ गया एक्सियल पे फील्ड, इतना टेस्ला। और आपको पता है एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जिधर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में होता है, यानी कि यहां पे एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन बताओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल बताना। और आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड क्या होती है, या तो शायद सीधे इसका हाफ कर दो, रिलेशन बताया था, नहीं तो फॉर्मूले पे आ जाओ। इक्वेटोरियल पे जो फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब, रखो वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो आपको रिलेशन भी तो पता है, मैंने पढ़ाया था ना एक रिलेशन, याद करो कि इक्वेटोरियल पे जो फील्ड होती है वो जो भी एक्सियल पे फील्ड होती है एक डायपोल के कारण उसकी क्या होती है, हाफ होती है। तो बिना फॉर्मूले के भी डायरेक्ट कर सकते थे, आधा कर दो इसका। और ये भी पता है कि इक्वेटोरियल यानी मैग्नेट के परपेंडिकुलर लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेट का उसके अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो डायरेक्शन में क्या बताओगे, एक्सियल लाइन पे मोमेंट के पैरेलल, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या बताओगे, जो भी डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट है उसके एंटी पैरेलल, राइट। तो बच्चे ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने जिसमें कुछ क्वेश्चंस करा दिए मैंने, है ना, 4-5 इंपॉर्टेंट सवाल थे करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।